कुछ कोशिकाएं काफी बड़ी आकार की होती है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह 170 × 135 mm का होता है, यह काफी बड़ा व्यास होता है क्रोमीटर, जो कि यह शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा काफी बड़ा व्यास का होता है, या मैं बोलूं कि सबसे बड़ी अगर कोशिका की अगर बात करें तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि काफी बड़ा होता है। यह दिखने में कैसा होता है, एक मुर्गे की तरह होता है, लेकिन काफी बड़ा ऊंचा होता है। आप देखना कभी शुतुरमुर्ग तो काफी बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं कि एक जीवाणु कोशिका, तो जीवाणु कोशिका एक माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक का इनका व्यास होता है, यह जीवाणु कोशिका। यदि हम हमारे शरीर की कोशिका की बात करें तो हमारे शरीर में एक बहुत ही लंबी कोशिका होती है, उसका नाम आप जानते हो, तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। कितनी? 1 मीटर। यह तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। आप बताइए कि यह कितने प्रकार के आपको इनके साइज में आपको अंतर देखने को मिल गया है, कि 0.01 से लेके इस प्रकार के शुतुरमुर्ग का काफी बड़ा अंडा जो 170 × 135 mm, ठीक है, उसका व्यास काफी बड़ा होता है। यहां जीवाणु कोशिका की का साइज अलग है, यहां तक कि लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका का साइज आकार अलग है। तो यह क्या हो गए, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के आकार, जिसमें कि हमें विविधता देखने को मिल रही है। अगर अब मैं उनके आकृति की बात करूं तो आकृति में भी हमें कोशिकाओं में काफी विविधता देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं आकृति, कोशिका में अगर हम आकार की बात करें तो विविध प्रकार के उनके आकार भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं चपटी होती है, कुछ कोशिकाएं, यहां आपने देखिए इस प्रकार के आपको आकारों में विविधता देखने को मिलेगी। कुछ कोशिका लंबी फिलामेंटस है, कुछ कोशिकाएं आपको चपटी देखने को मिलेगी, कुछ कोशिका आपको अनियमित आकार की देखने को मिलेगी। तो कोशिका का आकार जो होता है वह अलग अलग प्रकार का, कुछ स्तंभाकार होगी, कुछ चपटी होगी, कुछ गोल होगी, तो उनका आकार जो होता है यह विभिन्न प्रकार का होता है। या मैं ये कह सकता हूं कि कोशिकाओं में आकार और आकृति जो होती है उनके कार्यों के अनुसार होती है। कोशिकाओं का आकार यौन आकृति की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आकृति आकार की हम पहले बात कर चुके, अभी आकृति की हम बात कर रहे हैं। आकृति कोशिकाओं के कार्यों के अनुरूप होती है। जिस प्रकार का कार्य होगा उनका आकृति भी उस प्रकार की हो जाएगी, कार्यों के अनुरूप होती है, अनुरूप होती है। कुछ चपटी होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं चपटी लंबी स्तंभाकार जो इपिथेलियम कोशिका होती है, आगे हम ऊतक पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे कि कुछ कोशिका स्तंभाकार होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ चपटी होती है, तथा कुछ लंबी होती है, जैसे तंत्रिका तंत्र। तो यह आकार इनके कोई निश्चित नहीं होते, बल्कि उनके कार्यों के अनुरूप उनके आकार होते। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा और हमारे शरीर में पाए जाने वाले सेल्स ल्यूकोसाइट या जिसको हम क्या बोलते हैं WBC,
यह क्या हमारे शरीर की आकृति, यह ल्यूकोसाइट जो होती है हमारे शरीर में पाए जाने वाली, रुधिर में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिका है जो कि अपना आकार बदलते रहते हैं। उसी प्रकार अमीबा भी अपना आकार बदलते रहता, मतलब इनका आकार जो है वो निश्चित नहीं रहता। लेकिन कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में ऐसी होती है कि जिनका आकार निश्चित होता है, अधिकतर कोशिकाएं निश्चित आकार की होती है, या विभिन्न प्रकार की जीवों में भी बहुत सी कोशिका ऐसी होती है जिनका जीवन भर जो आकार है वो निश्चित रहता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अपना आकार बदलते रहती है। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ ल्यूकोसाइट बता दिया जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिका है, यह एक कोशिकीय जीव है जो कि इस प्रकार से अपना अनियमित आकार, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं कि कोशिकाओं की संख्या, आकार हो गया, आकार के बाद हम कोशिकाओं की संख्या पर चर्चा करते हैं कि कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह भी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। यह उनके इस पे निर्भर करता है कि कोई जीव का शरीर किस प्रकार से छोटा है या बड़ा है। अब हम देखते हैं संख्या कि जीवों में कोशिकाओं की संख्या क्या निश्चित होती है? बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं की संख्या हर जीव में अलग अलग होती है। यदि अगर मैं बात करूं, भाई यहां पे एक चूहा है, यहां पे हाथी है, क्या इन दोनों की तुलना करें तो इसमें और इसमें दोनों में कोशिकाओं की संख्या बराबर होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनका शरीर तो बहुत विशालकाय है और ये छोटा सा चूहा है, तो दोनों के शरीर में कोशिकाओं का अंतर होगा। अगर मैं पौधे में बात करूं कि यह गुलाब के फूल का, गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा लिखता हो, फूल नहीं, गुलाब का पौधा, और यहां अगर मैं बात करूं एक बरगद का पेड़, क्या दोनों में कोशिकाएं बराबर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, दोनों में अलग अलग प्रकार की, मतलब इनमें संख्या नंबर ऑफ सेल अगर बात करूं तो इनमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी, इनमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों के शरीर में अंतर है। यह काफी छोटा इनका शरीर है और इनका शरीर विशालकाय है। बल्कि यहां तक भी मैं बात करूं कि ये विभिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में या एक ही प्रकार के जीव में अलग अलग समय में कोशिकाओं की संख्या भी बदलते रहती है। चीज को समझिए कि भिन्न भिन्न जीवों में या एक ही जीव में, अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे शरीर में भी कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं रहेगी, बल्कि समय के अनुसार बदलते रहती है। जैसा व्यक्ति में इंफेक्शन हुआ, किसी जीवाणुओं का आक्रमण संक्रमण हुआ, तो क्या होती है, डब्ल्यूबीसी संख्या ऑटोमेटिक ग्रोथ करने लगती है, तो संख्या बढ़ गई। अगर मेरे शरीर में चोट लगी, खून बह गया, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बाहर निकल गई, संख्या कम हो गई। बीमारी में दो दिन भोजन नहीं मिला तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाओं की संख्या ऑटोमेटिक, जैसे वो वसा कोशिका, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही जीव में या भिन्न भिन्न प्रकार के जीव में कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह अलग अलग समय में बदलते रहती है। अब हम इन जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं पे भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि कितनी प्रकार की विविधता है। विविधता देखिए कि ये जीव में भी कोशिकाएं अलग अलग पाई जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं या एक मानव की बात करूं तो इसमें भी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की भी पाई जाती है। जैसे यहां पे देखिए, ये मेरे शरीर की वसा कोशिका है जो कि हमारे शरीर में त्वचा के नीचे रहती है। इसके अधिकता के कारण व्यक्ति मोटा हो जाता है और यह संचित भोजन के भी, संचित भोजन का भी काम करती है। हम इसको आगे पढ़ेंगे, जब ऊतक पढ़ेंगे। तो यह कोशिका मेरे शरीर की है, यह कोशिका भी मेरे शरीर की है, ये मानव शरीर की कोशिका है, यकृत कोशिका जो कि हमारे शरीर में यकृत का निर्माण करती है। यहां पे देखिए कि अरेखित पेशी, ये भी हमारे शरीर की कोशिका है, ये शुक्राणु कोशिका, ये भी हमारे शरीर की कोशिका है, अस्थि कोशिका, ये भी हमारे शरीर की कोशिका है,
तो इतने प्रकार की कोशिका, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये भी हमारे शरीर की कोशिका है। मतलब अगर मैं मानव शरीर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कि आप एक जीव में भी कितनी प्रकार की कोशिका है। यहाँ पे वसा कोशिका है, यकृत कोशिका है, शुक्राणु कोशिका है, अरेखित पेशी वाली ये कोशिका है, ये अरेखित तंतु कोशिका का चित्र है, या अस्थि जो हमारे शरीर में हड्डी का निर्माण करती है वो कोशिका है, ये हमारी डब्ल्यूबीसी जो कि ल्यूकोसाइट कोशिका है, यह आरबीसी जो कि हमारे रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, यकृत कोशिका वसा कोशिका की, अर्थात मैं ये कह सकता यहाँ पे तंत्रिका कोशिका जो कि बहुत लंबी है। आपको क्या है, सारी कोशिका एक जैसी दिखाई दे रही है, इनका आकार, इनका काम, इनका रंग रूप में काफी विभिन्नता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों की कोशिका भी अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। जैसे क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका की संरचना अलग है, जीवाणु कोशिका की संरचना अलग है, जबकि दोनों भी एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे मेंढक की आरबीसी अलग है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, अमीबा अनियमित आकार की इसकी संरचना अलग है, यहाँ पे डायटम ये पानी में पाया जाने वाला एक जीव है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि कितनी प्रकार की विभिन्नताएं उन कोशिका जिनको केवल जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा पे आएंगे, क्योंकि अब हमने कोशिका को अच्छे से समझ लिया है, उनके विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे चुके हैं, उनका परिचय देख लिया है, विभिन्न प्रकार के जीवों के माध्यम से हमने समझ लिया है, उनके आकार रंग रूप को समझ लिया है, उनके मौलिक कार्यों के आधार पर समझ लिया है। तो अब हमें इसकी परिभाषा अब अच्छे से समझ में आएगी। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं।